थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सोहेल काजमी सर एंड आई रिक्वेस्ट अगेन अशोक कपूर सर एंड अमित कपूर सर टू प्रेजेंट द मोमेंटो. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. Okay, so अभी मैं request करती हूँ हमारे आज के जो chief guest हैं ma'am से और सोहेल काजमी sir से कि वो हमारे जो founder हैं Bracing Vibes से अशोक कपूर sir, managing director and founder of Bracing Vibes, तो उनको एक momento present किया जाए. Thank you. Thank you so much, sir. बिल्कुल बिल्कुल. पापा की सक्सेस के पीछे मम्मी है और अमित जी आपकी सक्सेस के पीछे भी मम्मा है. डेफिनेटली क्योंकि माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम कुछ कर पाते हैं लाइफ में. सो उनका साथ और आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है. आंटी अभी इनको दे देते ना अभी इधर ही. हाँ जी ओके. अमित की मम्मी को देंगे. अमित का अच्छा जी ओके. अमित जी आओ जी. सो तरसेम मनहास प्रेसिडेंट जय हिंद फाउंडेशन जे एन के वो यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं अशोक कपूर सर मैम को और अमित कपूर सर को भी. From Jai Foundation. Jai Foundation की तरफ़ आओ दो मिनट. आओ जी. आओ जाओ. सर सामने. सामने देखिए. सर थोड़ा प्रेम खोल दीजिए प्लीज. पीछे आ जाओ. पीछे आ जाओ. बस थैंक यू. अशोक कपूर सर और अमित कपूर सर ये दो लाइनें आपके लिए. सहारे तलाश करना आदत नहीं हमारी. सहारे तलाश करना आदत नहीं हमारी. हम तो अकेले पूरी महफिल के बराबर हैं. थैंक यू सो मच सर. फ्रॉम जय हिंद फाउंडेशन. फोटो नहीं था पूछना तो मैं दे देता हूँ. चलो कोई बात नहीं. चलो थैंक यू सो मच. और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर वृक्षा अंद्रावी मैम से कि आज ये जो स्टूडियो यही रहे. मैं यहाँ पे जो मेरे साथ सोहेल काजमी साहब खासकर अमित जी अमित कपूर साहब इनके पापा मामा और आप सभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं सबों को पहले नमस्कार. और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जम्मू में भी अब वो कोर्सेज होने लगे जिसका ख्वाब हम सिर्फ या सपना हमें होता था कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाएंगे और वहाँ पे ऐसी एकेडमियाँ होंगी और उसी में हमारे बच्चे तरबियत पाएंगे. लेकिन अमित जी को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने जो हम ख्वाब में करते हैं ख्वाब में देखते हैं और सपने हमारे बच्चों के उस पर फिर पैसा कितना हमारा खर्च हो जाता है. हम ये कोर्सेज के लिए थाईलैंड बाकी बाहर के मुल्कों में जाते थे. आज हमारे जम्मू शहर में वो एकेडमी बनी जिसमें हम सारे ब्यूटी कोर्सेज करेंगे. आज की जो हमारी जनरेशन है वो हर एक कोर्स में सबसे आगे हैं हर एक विषय में वो जानना चाहते हैं. और हमारे
अपने लोग वो सारी चीजें हमारे अपने जनरेशन को, नई जनरेशन को यहाँ पे जम्मू में, कश्मीर में फराहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अब वो हब बन गया है जो पहले हम सोचते थे, अब वो सारे सपने हमारे सामने ताबीर के साथ आगे आ रहे हैं। हम ये जो एकेडमी बन गई है यहाँ पर है अमित कपूर जी ने, जिसका आज हमने इनॉग्रेशन किया, अब हम यही कामना करेंगे कि यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स आए और सीखें और हमारा जम्मू कश्मीर का नाम आगे बढ़े, हम यही कामना करते हैं। शुक्रिया। मेरी बहन ऑनरेबल चेयरपर्सन जे एंड के वक्फ बोर्ड, पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये स्पेशल आपके प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए आई, और इनकी हमेशा इंडेवर रहता है और पूरे वक्फ बोर्ड का इंडेवर रहता है जब से वक्फ बोर्ड बना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बच्चियां सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स में आगे आए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है आप जैसे बहनों की, बच्चियों की, कि वो मार्गदर्शक बने सोसाइटी में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से अलावा भी कोई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जिस पे आप काम कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, रोज़गार के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं और अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये अमित कपूर साहब, इनकी पूरी फैमिली का मेरा ख्याल है 5th-6th वेंचर है और ये भी कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना किसी भी इबादत से कम नहीं है। किसी के घर चूल्हा जले, किसी का बच्चा इन्वॉल्व हो किसी न किसी काम में, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी इबादत है और उससे उनको देख के बाकी बच्चे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है और काम करते रहना चाहिए। वही प्राइम मिनिस्टर का भी इंडेवर है कि ये जो निर्भर सेल्फ आप रिलायंट कैसे बने, उसी के कोशिशों में आप सब आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके साथ है, तो ये सब चीज़ें MSME है या कुछ और चीज़ें हैं, ये इनके फ़ायदे लीजिए और अपने अपने प्रोफेशन में अपना नाम एक्सेल कीजिए और ये कारवां जो है खूबसूरत काम करने का ही आगे बढ़ता रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे हम सब हंसते खेलते अपने अपने प्रोफेशंस में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन अंद्राबी बहन जी का और सोहेल भाई जी का। सोहेल भाई जी ने शुरू से लेके आज तक मुझे बहुत सपोर्ट की हर तरह से, जहाँ भी मैंने इनको बोला हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और मैम ने भी एक रिक्वेस्ट की थी तो मैम यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए ये एक अपने खुशकिस्मती की बात है कि ये स्टूडियो 11 में आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस ये है कि आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे ताकि जम्मू की जितनी भी यूथ है या बाहर के जो भी यूथ हैं, हम उनको एक सेल्फ डिपेंडेंट करें। पहले भी हमारे 5-6 वेंचर ऑलरेडी जम्मू में चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा इनिशिएटिव ये था कि जो बच्चे इस टाइम जिनकी कम एजुकेशन है, जो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको कल को ब्यूटी का कोर्स करवा के अगर वो फ्रीलांसर भी करें तो वो भी आगे जाके ग्रोथ कर सकते हैं। उनको कोई अपना सैलून खोल के वो भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस ये है, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, चाय और तो ये स्टूडियो 11 आज जहाँ पे ओपनिंग हुई है और यहाँ पे जो भी सुविधा अवेलेबल है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सामने पीछे आप देख सकते हैं, पिंगल जी को बोलूँगा कि स्टूडियो बताया जाए। इस निकल स्किन लैब है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके भी ठीक।
यहाँ पे हम बच्चों को ब्यूटी का कोर्स सिखाते हैं, जिसमें भी है जी। जम्मू में पहली बार है जी, स्टूडियो 11 पहली बार। कुछ स्पेशल क्या है आपका यहाँ जी? सिखाते सभी लोग हैं और आप सीख भी बहुत सारे लोग सकते हैं, कहीं से भी सीख। ये हमारा मेकअप लैब है और यहाँ पे हम स्टूडेंट को बेसिक मेकअप से लेकर एडवांस मेकअप तक ट्रेन करते हैं, जिसमें आपके रीजनल ब्राइड्स भी होती हैं, ठीक है, एयरब्रश मेकअप भी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं मेकअप में। देन प्रोडक्ट्स के नॉलेज बहुत अच्छे वे में देते हैं। देन हमारी ये हेयर लैब है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स भी सिखाते हैं। हेयर स्टाइलिंग भी है, ये हमारी मैम है। हेलो मैम, किस तरह की तैयारी, किस तरह फेशियल के बारे में बताएं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं, जैसे आपके हेयर, मतलब जब हम एज अ ब्राइडल ये वो जो हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, वो कट्स वगैरह, और आपका केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैरेटिन, रिबॉन्डिंग आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, जिसके कर्ल्स हेयर होते हैं, हर किसी को स्ट्रेट कराने होते हैं, तो हम वो सिखाते हैं। यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं सारे आपके, कैरेटिन, रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग, और हर टाइप की आपको हेयर कट्स होती हैं, बेसिक टू एडवांस। और हमारे यहाँ पे प्रॉपर आपको थ्योरी के साथ पढ़ाया जाता है, पूरा बेसिक से लेके एडवांस आपका क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगली, तो ये आपने सुविधा देखी कि किस तरह की हेयर स्पा, ऑल आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल सकता है, और आप यहाँ पे आके अपना टचअप भी ले सकते हैं। और खबरों के लिए जुड़े हैं वी स्टूडियो के साथ, नमस्कार।